हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्वेज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में, नेट्रोम्यूर के बारे में। तो नेट्रोम्यूर को हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि नेट्रोम्यूर क्या होती है, इस मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी तकलीफ़ों में आज आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और कौन कौन सी पोटेंसीज में आप इसको ले सकते हैं। साथ के साथ हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस होनी चाहिए अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं। तो पूरी तरह से हम समझेंगे इस मेडिसिन को, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेट्रोम्यूर की। नेट्रोम्यूर जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, इसलिए क्योंकि जो नमक होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब आप नमक यूज़ करते हैं, चाहे आप गार्गल करने के लिए यूज़ करते हो, चाहे आपके पैरों में अगर सूजन आ गई है या अगर पैरों में दर्द हो रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में बोला जाता है कि आप थोड़े पानी में नमक डाल के रखने से उसमें राहत मिलती है। तो नमक के अंदर तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती ही हैं। बट जब डॉक्टर हैनेमन यानी होम्योपैथी के जो फादर हैं, उन्होंने इस मेडिसिन को जो पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक के तरीके से इस मेडिसिन को बनाया, तो उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही अलग जो है सिम्टम्स पता चले कि और कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है ये एक्ट करती है आपके सिर से लेकर पाँव तक, मतलब हेड टू टू ये एक्ट करती है। इसीलिए क्योंकि जो नमक होता है वो हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, जितने सेल्स होते हैं, उन सबका पार्ट होता है। तो इसका एक्शन हमारे सिर से लेकर पाँव तक हर एक परेशानी में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे सिम्टम्स आने पर ही इस मेडिसिन को लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेशेंट होते हैं, नेट्रोम्यूर के पेशेंट होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है, किस तरह के लोगों को ये मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है। क्योंकि जो होम्योपैथिक का सिस्टम होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी होती है पेशेंट की उसको भी कंसिडर करता है, मतलब आपके माइंड सिम्टम्स को भी ध्यान में रख कर मेडिसिन दी जाती हैं। इसीलिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं हर पर्सन के अलग अलग होती है। तो अगर आपके अंदर माइंड सिम्टम्स मैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी जो रिकवरी है, वो फास्ट होगी और जो भी परेशानी है वो आपको जड़ से जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों को ये नेट्रोम्यूर ज़्यादा सूट करती है। तो फ्रेंड्स, मेन जो फीलिंग होती है नेट्रोम्यूर के पेशेंट की वो होती है फियर ऑफ रिजेक्शन। वो जो पेशेंट होता है स्पेशली, सपोज़ करते हैं कि कोई गर्ल है, कोई लेडी है या कोई वुमेन है, उसको हमेशा फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। शी इज़ इन रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो, जिसको भी वो पसंद करती है पूरी डिवोशन से इसको पसंद करती है और हर चीज़ उसके लिए करने के लिए रेडी रहती है। बट समटाइम्स उसको लगता है कि वो उसको रिजेक्शन मिल सकती है, तो इसीलिए और ज़्यादा वो एफर्ट लगाती है। शी गोज़ आउट ऑफ वे टू प्लीज द पर्सन, खुश करने के लिए वो हर तरह से ट्राई करती है। बट एट द एंड अगर उसको बिट्रेयल मिलता है, उसको धोखा मिलता है रिलेशनशिप में, तो अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर लेती है, बिल्कुल चार दीवारी के अंदर बंद कर लेती है। यस फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज़ गिवन इन केसेस ऑफ हार्ट ब्रेक। तो मेरा जो एक वीडियो है हार्ट ब्रेक का, उसमें भी मैंने इस मेडिसिन को बताया है। तो ये मेडिसिन दिया जाता है अगर आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, उस कंडीशन में नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो नेट्रोम्यूर का जो पेशेंट होता है वो बेसिकली धोखा खाया हुआ एक पेशेंट होता है, चाहे कितनी भी पुरानी बात हो चुकी हो लेकिन वो इस बात को भूल नहीं पाता। भूलना क्या, वो इस बात को लगातार याद करते रहता है। हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार उसको वो बात याद आती है कि किस तरह से उसको किसी ने रिजेक्ट किया था, धोखा दिया था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मेल और फीमेल का रिलेशन हो, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें उसको धोखा हुआ हो। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो चेहरे से अपने शो कर देता है कि वो अंदर से परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करता है, बोल के एक्सप्रेस नहीं करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, नेट्रोम्यूर को बोला जाता है, इट इज़ गिवन इन केसेस ऑफ साइलेंट ग्रीफ। ग्रीफ तो उसको है, दुख तो उसको है, लेकिन उसको शो नहीं करता है। उसकी जो हरकतें हैं या उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपको पता चल सकता है कि उसको प्रॉब्लम है। लाइक वो क्या करेगा कि वो डोर के, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने रूम में आ जाएगा, म्यूज़िक चला करके शांत होकर के सुनेगा, बट किसी को फेस नहीं करेगा, किसी से कहेगा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो दिस मेडिसिन सूट्स टू दोज पीपल हु आर हैविंग साइलेंट ग्रीफ, दे डोंट एक्सप्रेस देयर ग्रीफ थ्रू माउथ, मुँह से बोल नहीं सकते हैं, तो दैट सूट्स वेरी वेल।
इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जिसमें जो पेशेंट होता है वो चीज़ों को भूलता नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी पुरानी बात हो चुकी है उसको भूलता नहीं, एंड ही ट्राइज टू टेक रिवेंज, वो रिवेंज भी लेने की सोचता है बट वो ले नहीं पाता है। इसीलिए इस मेडिसिन को साइकोटिक मेडिसिन कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस क्या होती है होम्योपैथी के टर्म में। तो फ्रेंड्स, जो सोरा होती है उन लोगों को लिए मेडिसिन होती है जिन लोगों के अंदर जो कोई बात हुई, कोई धोखा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाते हैं, लेट इट गो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं, जैसे कि नेट्रेम्यूर है, इसमें अगर किसी के साथ कुछ ट्रबल हुआ, कुछ धोखा हुआ, कुछ भी हुआ, तो दे होल्ड दैट ग्रज, वो बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करके रखते हैं, एंड दे ट्राई कि वो रिवेंज ले या उसको सबक सिखाएं। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग जो होती है वो होती है साइकोटिक पेशेंट्स की। और एक अलग टाइप के पेशेंट्स होते हैं सिफिलिटिक पेशेंट्स, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं ये। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया तो दे टेक रिवेंज, वो प्लानिंग नहीं करते हैं जैसे कि साइकोटिक वाले पेशेंट करते हैं, लेकिन वो रिवेंज ले लेते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज होती है जिसमें मेडिसिन को डिवाइड किया जाता है होम्योपैथी में। तो जो नेट्रेम्यूर आती है वो साइकोटिक कैटेगरी में आती है, मतलब इसमें जो पेशेंट होता है जिसके साथ बुरा हुआ है वो ट्राई करता है रिवेंज लेने की, वो अलग अलग प्लान्स बनाता है। इसके साथ क्या होता है कि क्योंकि इसके साथ एक बार धोखा हो चुका है तो वो अगली बार ऐसे रिलेशन में जाना चाहता है जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं हो, मतलब अगर अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तभी वो सफ़र नहीं करे। बिकॉज़ ये जो पेशेंट होते हैं हार्टेक यानी धोखे से डरते हैं और किसी को धोखा देना भी नहीं चाहते हैं, वो खुद भी उससे बचना चाहते हैं और किसी और को भी चाहते नहीं कि उसको उसके साथ कुछ गलत करें। तो ये मेडिसिन होती है नेट्रेम्यूर। और इन लोगों को शांति कैसे मिलती है, हाउ दे फील गुड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिसनिंग सम टाइम ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक, दे लाइक टू हियर सम गुड म्यूजिक, और मे बी कि उनको म्यूजिक सुनकर रोना भी आ जाए, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग इमोशंस थ्रू द म्यूजिक, बट वो बात करके आपसे नहीं बोलने वाले हैं। ऐसा ही एक पेशेंट होता है ऑरम मेटालिकम का पेशेंट, जैसे मैंने एक वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो ऑरम मेटालिकम के पेशेंट्स होते हैं उनको आप सामने से देख के नहीं बता सकते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो चेहरे पे हमेशा हंसी रखते हैं, दे कीप स्माइलिंग फेस, और सडनली वो कुछ अटैम्प्ट कर जाते हैं, कुछ सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो वो ऑरम मेटालिकम के पेशेंट्स होते हैं। बट जो नेट्रेम्यूर के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मुंह से बोल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट उनकी एक्टिविटीज से आप समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को, इस मतलब इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये है एक साइकोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है नेट्रेम्यूर के केसेस में। तो नेट्रेम्यूर का पेशेंट एग्रवेशन होती है कॉन्सोलेशन से। अगर उसके पास जाएंगे आप, पूछेंगे कि क्या हुआ है आपको, तो वो नहीं चाहता कि कोई उससे कोई बात पूछे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेट मी बी अलोन, मतलब मुझे अकेले रहने दो। वो अगर आप उससे पूछते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई लगती हैं, वो एग्रवेट हो जाता है, उसको गुस्सा आ सकता है, तो चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं दे डोंट लाइक कॉन्सोलेशन एट ऑल। तो ये होती है एक पेशेंट की साइकोलॉजी। माइंड सिम्टम्स ये होते हैं मोस्टली जो नेट्रेम्यूर के होते हैं। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं हेड सिम्टम्स की। तो जो हेड सिम्टम्स होते हैं नेट्रेम्यूर का, बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रेम्यूर हेड सिम्टम्स के लिए। हेडेक के केसेस में ये दिया जाता है अगर आपको सन हेडेक की प्रॉब्लम हो रही हो, सुबह 10-11 बजे से लेकर जैसे जैसे सन राइज होता है, सन ऊपर जाता है, वैसे वैसे आपको हेडेक होता है और शाम तक आपको लगातार हेडेक बना रहता है, तो उन कंडीशंस में ये अच्छा काम करती है। स्पेशली जो स्कूल गोइंग एज में जो गर्ल्स होती हैं उन लोगों को लगातार अगर हेडेक बना रहता है, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो स्टडीज़ के कारण या टीनेज ईयर्स में होती है, उनको पूरे टाइम हेडेक बना रहता है, स्कूल टाइम्स में भी उनको हेडेक बना रहता है, उनके लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट कैन बी गिवन। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो इसका जो हेडेक होता है वो मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है, उसका लेफ्ट साइड पूरा अफेक्टेड होता है, और ऐसा लगता है कि कोई हैमर से लेकर के यहाँ पे हैमर से लेकर कोई मार रहा है। और उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो पेशेंट होता है जिनको भी हेडेक के साथ साथ ब्लाइंडनेस होने लगती है, देखने में भी प्रॉब्लम लगती है, लगता है आँखें बंद कर लें, तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं हेडेक के केसेस में तो ये नेट्रेम्यूर कैन एक्ट एज ए मैजिक, बहुत अच्छा काम करती है ये नेट्रेम्यूर। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं फ्रेंड्स, माउथ सिम्टम की। तो ये मेडिसिन होती है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज़ गिवन इन केसेस ऑफ फीवर ब्लिस्टर्स। अगर फीवर आने के बाद आपके लिप्स के कॉर्नर्स में या माउथ के अराउंड एरियाज में ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स बन गए हैं, पानी वाले ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो उन केसेस में भी अच्छा काम करती है।
इसके अलावा जो टंग होती है, एक बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम होता है नट्रेम्यूर का, कि अगर आप पेशेंट को चेक करेंगे तो टंग जब बाहर करने के लिए बोलेंगे तो टंग उसकी क्लीन नहीं होती है। ऐसा लगेगा जैसे आपके जो जो पेशेंट का टंग है उसके ऊपर कुछ नक्शा सा बना हुआ, देयर इज़ अ मैप टंग, कुछ लाइन से बनी होती है, मैपिंग हुई रहती है। तो ये केसेस में भी नट्रेम्यूर बहुत सूटेबल मेडिसिन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पेट की कौन सी समस्याओं में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। तो पेट की समस्या में इस मेडिसिन को उन केसेस में दिया जा सकता है जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ जो पेशेंट स्टूल के लिए प्रेशर लगाता है उसमें क्रम्बलिंग ऑफ द स्टूल्स हो जाती है, स्टूल्स जो है टूट टूट के गिरते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर उसको पेन हो सकती है और पेन उसको काफ़ी घंटों तक बनी रहती है। तो उन कंडीशंस में भी आप नट्रेम्यूर दे सकते हैं। तो ये जो नट्रेम्यूर के पेशेंट्स होते हैं, इन लोगों को नमक से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और खाने में भी उनको एक्स्ट्रा नमक चाहिए होता है। तो अगर ऐसे लोगों को जिनको शुरू से ही नमक थोड़ा तेज़ पसंद होता है, अगर उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है मेनली, या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन केसेस में नट्रेम्यूर कैन बी गिवन। उन केसेस में भी नट्रेम्यूर अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका सिम्टम है फ्रेंड्स, की जो कोराइजा होता है, ज़ुकाम अगर होता है, बहुत लोगों को धूप में निकलने के बाद ज़ुकाम हो जाती है, धूप में निकलने के बाद छींकें आने लगती हैं, डिस्चार्ज होने लगता है, तो उन केसेस में भी अच्छा काम करती है। तो कोराइजा व्हेन गोइंग इनटू द सन एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है। तो फ्रेंड्स ये कोराइजा के लिए भी, मतलब ज़ुकाम खांसी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली अगर सी शोर, स्पेशली सन में जाने पे अगर ज़ुकाम खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज अगर आता है और डिस्चार्ज बिल्कुल वाइट ऑफ एन एग के जैसा है, तो उन कंडीशंस में मेडिसिन को दे सकते हैं। एक कंडीशन जिसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं वो है यूरिन सिम्टम्स में। यूरिन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, जो नट्रेम्यूर का पेशेंट होता है, वो किसी के सामने यूरिन पास नहीं कर सकता है, मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो किसी के सामने, उनको बिल्कुल प्राइवेसी चाहिए होती है, किसी के सामने यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। या बुज़ुर्गों के केस में अगर देखें तो उनको चलने के टाइम पे, वॉक करने के टाइम पे, या तेज़ से हंसने के टाइम पे, छींक आने के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अगर उनको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जा रही है, जो यूरिन की लीकेज हो जाती है, तो उन केसेस में भी अच्छा काम करती है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट कैन बी गिवन इन इनकॉन्टिनेंस इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के लोगों में जब इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है तब हम नट्रेम्यूर को दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको यूरिन पास करने के जाने के बाद बहुत देर तक वेट करना पड़ता है कि यूरिन स्टार्ट हो जाए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तभी भी ये मेडिसिन काम करती है। तो मतलब यूरिन में ये बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो पेन की प्रॉब्लम हो रही हो, यूरिन पास करने के बाद या यूरिन पास करने से पहले अगर पेन होता है तभी भी मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका एक इंटरेस्टिंग सिम्टम और है, वो है फीमेल्स के केसेस में। फीमेल्स के केसेस में स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पे अगर पीरियड्स बहुत लेट आ रहे हैं या बहुत जल्दी आ रहे हैं, कुछ भी डिरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो बहुत जल्दी आ जा रहे हैं या बहुत देर से आ रहे हैं, या फ्लो बहुत कम है या फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो भी डिरेंजमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ही चेंज आ रहे हैं तो उन कंडीशंस में ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो फीमेल्स के केसेस में ल्यूकोरिया में भी अच्छा काम करती है। तो नट्रेम्यूर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जिनको मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स हो रहे हैं, मेंटल ट्रबल्स साथ में हैं, तो ये मेडिसिन अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्किन सिम्टम्स की। तो स्किन सिम्टम्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है अगर अर्टिकेरिया के प्रॉब्लम हो रही है। अर्टिकेरिया में अगर एक वायलेंट एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको पूरे शरीर पे छपाकी सी पड़ जाती है, उन केसेस में अच्छा काम करती है। आप कहीं वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उसके बाद आपके शरीर पे पैचेस पड़ जाते हैं, उन केसेस में अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा, नेल्स के आसपास की जो एरिया है, ये जो जो नेल्स के आसपास की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टूटने वाली है, बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता है, हार्ड रहती है बहुत ज़्यादा, उन केसेस में अच्छा काम करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्जीमा में तो ये बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए हैं। एक्जीमा में इसके जो पैचेस होते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली नेप ऑफ द नेक में, यहाँ पे पीछे साइड में, और हेयर लाइन के पास अगर एक्जीमा हो रही है तो उन केसेस में भी नट्रेम्यूर अच्छा काम करती है। तो नट्रेम्यूर का स्किन के ऊपर बहुत अच्छा असर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि बच्चों के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें इस मेडिसिन को दिया जा सकता है।
ये मेडिसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मरास्मस के केसेस में। मरास्मस का मतलब होता है कि बच्चा पूरी तरह से खा रहा है, डाइट उसकी पूरी चल रही है, बट स्टिल ही इज़ लूजिंग वेट, जैसे कि आयोडम पेशेंट में होता है, स्पेशली इसमें नेक एरिया और ये पूरा जो आपका अपर पोर्शन है वो काफ़ी वीक रहता है। तो अगर बच्चा खा भी रहा है फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, तभी भी ये मेडिसिन दिया जा सकता है। और इसमें जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको जो पसंद वाली चीज़ें होती, ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना पसंद करता है और बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल रहता है। अगर कॉन्सोलेशन उसको देते हो, चुप कराते हो, बात करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा वो एग्रेवेट होता है, उसको पसंद नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं तभी भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो नेट्रेम्योर हर एक इंसान ले सकता है जिसके अंदर खाना खाने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, खाना खाने के साथ साथ में उसको अनीमिया हो रहा है, खाना खाने के साथ साथ में उसको वेट लूज़ हो रहा है। मतलब अगर आप सब कुछ कंप्लीट कर रहे हो बट स्टिल यू आर लूजिंग वेट, तभी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसे पेशेंट्स को आराम मिलता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें उनको ठीक लगता है। तो एग्रेवेशन तो उसकी होती है सन एडेक में, मतलब एग्रेवेशन तो उसकी होती है सन में जाने से, या कोई भी एग्जर्शन करने से, या एग्जर्शन करने के बाद उसको अर्टिकेरिया वगैरह हो सकती है उन कंडीशंस में, या सी शोर में जाने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, ओपन एयर में जाने पर छींकें आने लगती हैं। वैसे तो ये हॉट पेशेंट होता है, मतलब गर्मी से इसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर इस ओपन एयर में निकलता है तो उसके छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एम्यूलोरेशन की, किन चीज़ों से आराम मिलता है इसको। तो इसको आराम मिलता है, बाकी हर चीज़ में आराम मिलता है इसको ओपन एयर में जाने से, एक्सेप्ट कि नोज़ मतलब छींके आने के अलावा बाकी हर चीज़ में इसको ओपन एयर में जाने से आराम मिलता है। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है अगर वो राइट साइड में लेता है, तो इस पेशेंट को राइट साइड में लेटना पसंद होता है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर वो लेटता है तो उसको एग्रेवेशन होती है, राइट में लेटता तो उसको आराम मिलता है। तो ये सारी मेडिसिन, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये नेट्रेम्यूर के सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आपसे मैच होंगे, बट अगर आपको अपने सिम्टम्स इसमें मैच होते हैं दिखते हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोटेंसीज हैं जिसमें इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली मैं इस मेडिसिन को 30-100 की पोटेंसी में देती हूँ, 1 mg भी यूज़ करती हूँ बट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज 1 mg को यूज़ करने के लिए आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। नेट्रेम्योर 30 लेनी है अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट की प्रॉब्लम हो रही है, अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्टार्ट हमेशा नेट्रेम्योर 30 से करनी है। तो नेट्रेम्योर 30 की 3 से 4 बूंदें दिन में 3 बार आपको लेनी है, थोड़े से गुनगुने पानी में डाल सकते हैं या डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। खाना खाने के बीच में आधे घंटे का आपको गैप रखना है। इसके अलावा अगर आपको माइंड के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको 200 पोटेंसी यूज़ करनी है। नेट्रेम्योर 200 की पोटेंसी को आपको 3 से 4 बूंदें दिन में 1 बार लेनी है और 1 दिन छोड़ के फिर से 1 ही डोज लेनी है। मतलब अगर आपने नेट्रेम्योर 200 की आज 3 से 4 बूंदे टंग पे ले ली हैं तो 1 दिन पूरी तरह से कुछ नहीं लेना है और अगले दिन फिर से सिर्फ 3-4 बूंदे एक ही बार में लेनी है, बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नेट्रेम्योर के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस मेडिसिन के बारे में आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हों, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, या आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने कमेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ पे साथ के साथ रिप्लाई करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।